नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूँ आपके साथ कौशल कुमार। यह तस्वीर राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन की है, जहाँ की कई अंडर 16 बॉक्सिंग के लिए नेशनल खेलने के लिए सोनीपत जा रहे खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हैं और उसके कोच भी मौजूद हैं जो जाएंगे साथ में। पूर्व ओलंपियाड जो है बॉक्सिंग के, वो भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी तरफ से सभी खिलाड़ियों को बॉक्सिंग की जो हीट होती है वह मुहैया कराई है और सभी ड्रेसेस मुहैया कराई है। हम बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे कि क्या कुछ तैयारियां, किस तरह से खिलाड़ियों के लिए आप लोगों ने योगदान दिया है, क्या कुछ भेजा है खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करने के लिए। देखिए, मुझे पता चला है कि झारखंड बॉक्सिंग की तरफ से बच्चों को कोई किट नहीं दिया गया। पता चला इससे पहले विशू टीम गई थी अभी एक हफ्ता पहले सोनीपत, तो मुझे परसों ही पता चला शॉर्ट टाइम में। मैं क्योंकि झारखंड से एक ओलंपियन हूँ और बॉक्सिंग के लिए मैं सब कुछ करूँ, बॉक्सिंग से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे बच्चों को अपने साथ देना चाहिए। तो हम और भूषण प्रसाद, वो भी एक एक्स बॉक्सर है रेल का, मेरे सेंटर का है, तो मिल के एक छोटा सा पहल किया, मिलकर एक छोटा सा पहल किया, एक छोटा सा पहल किया, बच्चों को किट मिलना चाहिए जिससे बच्चों बहुत मनोबल बढ़ता है। और हम बच्चों को फिर कुछ कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं खिलाड़ी इस बार? ये टीम हमारी जूनियर से खेलने जा रही है सोनीपत, मेन सर वुमेन सोनीपत जूनियर्स में नेशनल खेलने के लिए। सभी कैसे तैयारी करवाते हैं, सभी को प्रिपरेशन करवाते हैं, कौन जाएंगे साथ? तो प्रिपरेशन कोशिश जा रहे हैं, पर मुझे ये पता चला कि ना बहुत शॉर्ट, परसों हम आए वहाँ से कलकत्ता में, हम रेलवे जॉब करते हैं, कि बच्चों को दिवाकर प्रसाद ओलंपियन बॉक्सर हैं, झारखंड के पहले ओलंपियन 2004 के, और हम भी टाटा स्टील बॉक्सिंग सेंटर के ही मेड हैं। क्या कुछ बॉक्सिंग एसोसिएशन को लेकर आपका कहना है? क्योंकि बॉक्सिंग एसोसिएशन में बहुत घोर घमासान चल रहा है अभी। उत्तम सिंह जी मैंने उनका कार्यकाल 31 मार्च को ख़त्म हो गया जो मुझे पता चला, पर उन्होंने एक अपना बॉडी बना दिया, 21 टीमों को सस्पेंड करके दूसरा मैंने पार्टी को मान्यता दे दिया जो अनऑथोराइज है, ये संविधान के खिलाफ भी है। और अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने खुद बगैर ए जी एम कराए, 2 साल में कोई AGM नहीं हुआ, बगैर AGM कराए खुद प्रेसिडेंट बन गए और कैप्टन साहब को बना दे सेक्रेटरी, जो रूल से पूरा परे एकदम। तो क्या ये सही बात है? और मुझे पता चला बच्चों किट भी नहीं दे जा रहा, तो बहुत देने के लिए हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रही, कोई स्वार्थ नहीं मिल रहा, बॉक्सिंग से खड़े हैं, बॉक्सिंग के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने से सभी को किट मुहैया कराए हैं, सभी को ड्रेसेस मुहैया कराए हैं? हम एक जरिए हैं भाई, कुछ नहीं, एक जरिया है कि बच्चों को कम से कम थोड़ा मनोबल ऊँचा रहना चाहिए कि बस किट है झारखंड का। बच्चे हैं टोटल शायद 15 बच्चे हैं। देखिए, सभी बच्चे जो हैं ट्रेन आ गए हैं, सभी की जाने की तैयारी आप देख सकते हैं इस वक्त रांची स्टेशन। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रांची स्टेशन में देखिए बारिश हो रही है दिन में और पूरा अंधेरा में रांची स्टेशन डूबा हुआ है, यह भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आप रांची रेलवे की, कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, अंधेरा है, लेकिन चारों तरफ लाइट जलाने का काम नहीं किया जा रहा। हमने स्टेशन मास्टर से भी कहा कि आप रेलवे में लाइट जला दें, लेकिन फिर भी लाइट नहीं जलाया जा रहा क्योंकि और मुझे अंधेरे में यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। सभी से बातचीत करना, क्या कहना चाहिए बॉक्सिंग एसोसिएशन को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा बहुत खुशी है आज दिवाकर प्रसाद जो ओलंपियन है, जो स्टार का भी जमाना में स्टार बॉक्सर रहा है, मैं इंडिया कैंप में था, मेरे साथ इंडिया कैंप में रहा है, और क्यूबा में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2002 में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, एक्रोएशियन के मेडल है, झारखंड के लिए बहुत गौरव का बात है कि आज भी हमारे बच्चे लोग दिवाकर साहब को देख रहे हैं और इनकी जो आशीर्वाद है और बॉक्सर लोग का जो नेशनल के लिए जो उपदेश है बहुत इनको अपना कामयाब रहेगा। तो देखिए, कई सारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, सभी रवाना हो रहे हैं सोनीपत के लिए और कई लड़की खिलाड़ी भी हैं, क्या कहना चाहोगे बॉक्सिंग में जा रहे हो, कितना मदद मिल पा रहा है बॉक्सिंग में? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बॉक्सिंग खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हम गोल्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? तो अंडर 16 के लिए सभी खिलाड़ी जो है इस वक्त रांची स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सोनीपत हरियाणा। क्या खेलने के लिए? बॉक्सिंग। क्या उम्मीद है? गोल्ड एंड बेस्ट बॉक्सर का उम्मीद है। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। क्या नाम है? जयेश कुमार यादव। कहाँ जा रहे हैं? नेशनल खेलने। बॉक्सिंग खेलने के लिए।
तीन साल से कितना मदद मिल पा रहा मिलता है बॉक्सिंग एसोसिएशन से, कितना सहयोग मिलता है, मिलता है ट्रेनिंग सब कुछ बढ़िया मिलता है। तो देखिए किस तरह से जो है आप कह सकते हैं, बताइए सर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करना पड़ता है। सबसे बड़े तो गरीब घर से आते हैं बच्चे लोग, और इसके पास डाइट की कमी होती है, किट की कमी होती है, जिसका हमारे झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन बहुत ही कम मदद इसमें करते हैं। बच्चे अपना खर्चा करके जाते हैं, खाने की दिक्कत हो जाती है, जिसमें बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं तो खाना अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। तो इसी का हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से किट और कुछ डाइट के लिए पैसे हम लोग बच्चे लोग को देने के लिए आए हुए हैं। कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खिलाड़ियों को, कुछ दिक्कत इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कितने खिलाड़ी हैं? हाँ, इस बार हमारे छः लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप सोनीपत हरियाणा में हो रही है, एशिया चैंपियनशिप में इसके बाद जाएंगे, और सभी खिलाड़ी आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सोनीपत के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, अंडर 16 में इनकी जो है नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। और क्या कुछ कहना है खिलाड़ियों को लेकर, ये भी हम इनसे बात करेंगे कि आखिर कितना उत्साह है इन लोगों के अंदर। बताइए कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है सर, हमें प्रैक्टिस 3 सालों से कर रहे थे। कितना मदद मिलता है सर? बहुत ज़्यादा मदद मिलता है सर, स्पेशली कोच साहब की तरफ से इतना ज़्यादा मदद मिलता है, उम्मीद भी नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा कोच साहब की तरफ से। हमारे कोच साहब एक भगवान की तरह हमारे ज़िंदगी में आए हैं। आशीष कुमार। तो देखिए कई सारे जो है बॉक्सिंग के खिलाड़ी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, और सभी सोनीपत में अंडर 16 के लिए नेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं। झारखंड आप जानते हैं कि खेल की भूमि है, और यहाँ पर एक से एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं झारखंड के। लेकिन एसोसिएशन के द्वारा जो है कई सारी बातें एसोसिएशन को लेकर सामने आ रही है कि और भी मदद अगर बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को मिले तो और भी बेहतर यह कर सकते हैं। कई सारी जो है दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं, अगर ट्रेनिंग की बात की जाए, किट की बात की जाए, अगर इनकी देख रेख की बात की जाए, सभी चीज़ों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं और भी अगर इन सब सुविधाओं से मुहैया कराया जाए तो और भी यहाँ के खिलाड़ी बेहतर कर सकते हैं। रांची से लाइव लगातार के लिए मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।